तो गाइज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह की ढोलक लेनी चाहिए, आपके लिए किस तरह की सही रहेगी। राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज मिलती है मुझे जिसमें लोग बोलते हैं कि अगर हम बिगिनर हैं तो क्या हमें प्रोफेशनल ढोलक, महंगी ढोलक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि बिगिनर्स, एडवांस स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को किस तरह की ढोलक लेनी चाहिए। देखिए, ढोलक महंगी से महंगी आती है 15,000-20,000 तक भी, 10,000-15,000 के बीच बीच, और काफ़ी सस्ती भी आती है 1,500-2,000 तक की भी। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की लेनी है। अमेज़ॉन पे चेक करेंगे तो बहुत सस्ती सस्ती ढोलक्स भी हैं, बट बहुत सारे लोग चीट हुए हैं अमेज़ॉन पे और या फिर ऑफलाइन जाके वो अपनी मार्केट में खरीदते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये गलत इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे साथ ऐसा हुआ, अब हम इसको कैसे चेंज करें या कैसे सही करवाएं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखेगा और बड़े ध्यान से देखेगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम है अनुज लोधी और इस चैनल पर हम ऐसे ढोलक तबला से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोज़ डालते हैं। आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेड बटन दबा के, और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तब भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए एंड लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। तो सबसे पहली यही कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह की ढोलक लेनी चाहिए आपको, फिर आगे बताऊंगा। तो देखिए, मेरे पास एक ढोलक ये है, मैं अपनी वीडियोस में दिखाता रहता हूँ काफ़ी सारी ढोलक्स, नई ढोलक्स भी मैं लोगों को भेजता हूँ, और मेरे पास अपनी भी 3-4 ढोलक्स हैं अलग अलग साइज़ की, अलग अलग वुड की और अलग अलग तरह की। अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की मैंने रखी क्यों हैं, बिकॉज हर तरह की इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि ये ढोलक है हल्की लाइट वेट है और स्किन्स हैंडमेड है इसकी, और जैसे साइज़ के लिए बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया है कि 6 इंचज़ और 10 इंचज़ की ढोलक होनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि सर हमें 10 इंचज़ वाला बेस ही चाहिए। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इन दोनों का डायमेंशन अच्छा होना चाहिए, मतलब कि अगर मदीन साइड में 6.5 है तो बेस साइड में 9.5 बहुत अच्छा रहता है, मदीन साइड 7 इंचज़ तो बेस साइड 10 इंचज़, दोनों की सिमिट्री अच्छी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ज़्यादा छोटा और ये ज़्यादा बड़ा है, या फिर ये बड़ा है और ये ज़्यादा छोटा है, तो दोनों की सिमिट्री अच्छी होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है वुड। अब लकड़ी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि शीशम वुड, अब शीशम वुड भी किस तरह की होती है, कैसे आपको पता चलेगा, तो ये देखिए, आपकी जब भी आप मार्केट में लेने जाएंगे किसी भी तरह की वुड को आपको शीशम वुड बोल के बेच दिया जाएगा, ये आपको देखना है कि वो शीशम वुड है कि नहीं है। अब वो भी अलग अलग तरह की होती है, रेड शीशम होती है, ब्लैक शीशम होती है, कुछ मिक्स्ड शीशम होती है, लाइट वेट शीशम होती है, हैवी वेट शीशम होती है। आपको कैसे पता चलेगा, साउंड से, सबसे बड़ी बात है साउंड से। कोई भी अगर आप ढोलक को प्ले करेंगे तो इस तरह से, तो अगर उसकी आवाज़ खाली, मतलब ज़्यादा पतली आवाज़ आए, तो समझ लीजिए कि लकड़ी कुछ खास नहीं है। मैंगो वुड ज़्यादातर ऐसी पतली आवाज़ देती है, जबकि अगर ढोलक में ऐसी भरी हुई आवाज़ आए तब समझ लीजिए कि लकड़ी अच्छी है। इंस्पाइट ऑफ दिस, एक दो चीज़ों से और पता चल जाता है कि लकड़ी अगर जितनी हैवी होगी, हैवी बट ये भी मैंडेटरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था कि लाइट वुड भी होती है, वो बेसिकली जितनी मोटी लकड़ी होगी उतना ज़्यादा उसका वेट होगा, लकड़ी कम मोटी होगी तो उसका वेट कम होगा। तो ऐसा नहीं है कम मोटी जो लकड़ी है वो शीशम नहीं है, मेन चीज़ ये है कि वो सख्त लकड़ी होती है, राइट, इसलिए वो आवाज़ अच्छी देती है। स्किन्स की बात करें तो हैंडमेड स्किन्स, जैसे मैंने हमेशा बताया है, और आप में से कोई भी खरीदना चाहता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर हमें ढोलक चाहिए और मैक्सिमम लोगों से बात भी नहीं हो पाती, मैं पहले यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग खुद ऑफलाइन मार्केट में जाके खरीदिए, और जैसे जैसे मैं गाइडलाइंस इस वीडियो में दे रहा हूँ कि इस तरह की होनी चाहिए, उस तरह की होनी चाहिए, एग्जैक्टली वहीं वहाँ जाकर इसी तरह की लीजिए। बट स्टिल आप लोगों के अगर शहर में या फिर कंट्री में इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, एंड मैं आपको इंस्ट्रूमेंट सेंड कर सकता हूँ। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हम उसी को देंगे कि आप खुद ऑफलाइन मार्केट में जाके देखिए, राइट। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा फ्लैश हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो बात करें अगर स्किन्स की, मैंने साइज़ का बताया, दोनों का डायमेंशन सिमेट्री अच्छी होनी चाहिए। स्किन्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी लकड़ी अच्छी भी नहीं है तब भी अगर आपकी ये पूरे स्किन अच्छी है तो आवाज़ अच्छी देगी ढोलक, राइट। तो आपको ये देखना है कि ये स्किन थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, और इसके ये जो साइड्स है ये भी स्ट्रांग और मोटी होनी चाहिए। जब भी पूरा ख़राब होता है या फटता है, मैक्सिमम टाइम यहाँ साइड से जाता है, तो
ये अच्छा होना चाहिए, ये थिक होना चाहिए, और जो आपकी स्किन है वो भी थिक होनी चाहिए। अगर स्किन थिक है तब आपको वो इस तरह की अच्छी आवाज देगी। सिमिलरली बेस की स्किन भी अच्छी थिक होनी चाहिए, उस पर मसाला प्रॉपर सेंटर में होना चाहिए। मैंने देखा कि कईयों का मसाला अच्छे से नहीं लगा होता, तो वो झड़ जाता है बाद में, या वो अच्छी आवाज़ नहीं देता। तो मसाला भी प्रॉपर लगा होना चाहिए, तब आपको ऐसी डीप बेस साउंड मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये भी है कि अगर उनका इंस्ट्रूमेंट अपग्रेड करना चाहते हैं, नई ढोलक लेना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी पुरानी ढोलक अच्छी आवाज़ नहीं दे रही है, जबकि वो ढोलक भी अच्छी होती है, उसको ट्यून नहीं किया जाता। जब तक ट्यून नहीं करोगे तो अच्छी से अच्छी ढोलक अच्छी आवाज़ नहीं देगी। समझिए मेरे पॉइंट को, कहने का मतलब ये, अगर आपके पास है कोई ढोलक तो पहले ट्राई कीजिए कि उसको अच्छे से ट्यून करिए, हो सकता है आपको नई ढोलक लेने की ज़रूरत ना भी पड़े, राइट? तो ट्यूनिंग सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट। नई ढोलक लोगे उसमें भी ट्यूनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने ट्यूनिंग के लिए वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे, और आगे भी बना दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं। तो जब आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा ट्यून होगा तो डेफिनेटली अच्छी आवाज़ देगा। बात करें अगर बिगिनर हो आप, नए हो, या फिर एडवांस स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल हो, मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप अच्छी ढोलक लीजिए। अब अच्छी ढोलक का मतलब ये नहीं है महंगी ढोलक, जितनी महंगी लोगे वो तो डेफिनेटली अच्छी होगी, बट आप अपने बजट के हिसाब से 5-7 हज़ार की भी अच्छी ढोलक मिल जाती है। अभी मैंने पीछे जैसे किसी को सेंड की थी, आप ये पिक्स देख सकते हैं, ये ढोलक मैंने सेंड की है, ये भी मिड रेंज की ढोलक है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है और ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, बट बहुत अच्छी आवाज़ दे, मैंने खुद प्ले करके देखा तो बहुत अच्छी आवाज़ थी। तो कहने का मतलब ये, अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप मुझसे बोल सकते हैं कि आपको किस तरह की ढोलक चाहिए, क्या आपका बजट है, और आपके बजट के हिसाब से। बट ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको 2 से 3 हज़ार में, 4 हज़ार में शीशम की ढोलक मिल जाएगी, नेचुरल से बात है, राइट? वो तो शीशम ढोलक बहुत महंगी होती है, और साथ में अगर उसके हैंडमेड स्किन्स लगाई हो, प्रॉपर अच्छा बैग हो, तो डेफिनेटली काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। बट ये है कि आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको अच्छी ढोलक मिल सकती है, कहने का मतलब ये है, राइट? आगे अगर बात करें तो उसका बैग आपको लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फोम वाला होना चाहिए चारों तरफ से, जिसमें कि ढोलक आपकी सिक्योर्ड रहे बिल्कुल। और ये बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे ये रस्सी बीच में लगाई है तो ये इसका कोई रोल है, ये सिर्फ शो के लिए है। देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ यहाँ पे लगी है, ये नट बोल्ट्स में लगी है, ये यहाँ तक नहीं पहुँच रही, और जो यहाँ तक पहुँच रही है वो रस्सी वाली ढोलक होती है। मैक्सिमम लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि रस्सी वाली ढोलक लें या फिर हम नट बोल्ट वाली ढोलक लें, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो या आप एडवांस स्टूडेंट भी हो तो आप नट बोल्ट वाली ढोलक लीजिए, क्योंकि इसको मेंटेन करना इजी है, इसको ट्यून करना इजी है, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है। बट अगर बात करें हम ये रस्सी ढोलक की, तो वो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, कुछ हफ्ते 10 दिन बाद या महीने बाद आपको पूरी रस्सी खोल के उसको दोबारा टाइट करके फिर ट्यून करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको जब ट्यून भी करोगे तो उसको प्रॉपर एग्जैक्ट सुर पर ट्यून करना बड़ा मुश्किल रहता है। तीसरी चीज़, डैमेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे ढोलक रिपेयर, अच्छी ढोलक नहीं मिलती या रिपेयर होती है, तो आप ये नट बोल्ट वाली ढोलक लीजिए। बट अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे परफॉर्म करते हैं तो आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है कि आप रस्सी वाली ढोलक लीजिए। बट अगर आप नट बोल्ट वाली ढोलक और अच्छी ढोलक लेंगे तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है, राइट? तो आई गेस गाइस, इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है वो आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा उससे। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम तबले की बात करें, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तबला किस तरह का लेना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, क्या मेटल होना चाहिए और क्या वुड होनी चाहिए। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको दोबारा बता देता हूँ कि जितने तबला वाले लोग हैं उनको भी थोड़ी तबले की भी नॉलेज मिल जाए, या जितने आप लोग हैं कोई रिदम प्ले करता है, आप ढोलक प्ले करते हो, तो आप भी किसी को सजेस्ट कर सकते हो। मदीन साइड की बात करें तबले की, तो डिपेंड करता है आप कौन से सुर का लेना चाहते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूं, अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, तो आप पहले काले का सी शार्प का तबला लीजिए, जो कि आपको 5.5 इंच की के डायमीटर का मिल जाएगा, जो कि पहले काले पे इजीली ट्यून हो जाएगा। उसका जो पूरा है वो बनारसी हो, हैंडमेड हो, तो बहुत बढ़िया रहता है। हाइट इतनी मैटर नहीं करती, विड्थ मैटर करती है, मैंने बता दिया, पहले काले का 5.5 इंच का और शीशम वुड होनी चाहिए। बेस साइड की बात करें अगर, तो मेटल उसमें अलग अलग तरह का मेटल आता है, पीतल का आता है और स्टील का आता है, ब्रास मेटल का आता है, तो सबसे बढ़िया ब्रास का ही लगता है मुझे, मेरे पास भी ब्रास का है। उसका वेट जितना होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होगा वो, राइट? तो आप कम से कम मिनिमम 3 किलो से ज़्यादा का बेस लीजिए, 3 किलो, 4 किलो, 2.5 किलो,
इससे कम मत लीजिए, राइट। ब्रास मेटल मैंने बता दिया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, उसका डायमीटर इतना मैटर नहीं करता, बट वही 10 इंचेस के आसपास होना चाहिए, एज वेल एज जो उसका पूरा है वो भी हैंडमेड या बनारसी होना चाहिए। मदीन साइड की बात करें, अगर आप कहीं प्रोफेशनली प्ले करते हैं तो मदीन साइड आप तीसरे काले की चाहते हैं या चौथे काले की चाहते हैं, जो कि हाई स्केल्स होते हैं, एफ शार्प की या फिर डी शार्प की या जी शार्प की चाहते हैं अगर आप, तो उसका डायमीटर छोटा होना चाहिए मदीन साइड का, राइट। तो उसमें आप 5.25 इंचेस या 5 इंचेस का मदीन साइड लीजिए, वो पहुंचेगा एफ शार्प तक या जी शार्प तक भी पहुंच सकता है अगर हम उसको ज़्यादा टाइट करें, राइट। तो इस तरह से आप अपने अपने लिए तबला ले सकते हैं, ढोलक ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।